हर साल समूचे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। बालाघाट शहर प्रकृति की गोद में रचा बसा है। यहाँ आसपास घने जंगल, नदियाँ, पहाड़, झरने और वनस्पति के साथ वन्य जीवों की बहुलता इस जिले को और अधिक प्रकृति के करीब लाती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने जैव विविधता से परिपूर्ण बालाघाट शहर के मोती तालाब का दौरा किया, जहां प्रवासी बगुलों और चमगादड़ जैसे पक्षियों की बहुलता यहां पर हमेशा की तरह दिखाई दी। आपको बता दें कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को भी चमगादड़ की देन मानी जा रही है, लेकिन बालाघाट के मोती तालाब में चमगादड़ इको फ्रेंडली है और पौधों के परागण में सहयोग करते हैं। नगर में चमगादड़ पक्षियों का सबसे सुरक्षित स्थान मोती तालाब को माना जाता है। यहां आपको सिर को ऊंचा उठाते ही पेड़ों के चारों ओर चमगादड़ और प्रवासी बगुलों का झुंड दिखाई देता है। बताया जाता है कि प्रकृति में चमगादड़ पेड़ों या अन्य जगहों पर दिन में आराम करते हैं और रात में घूमते हैं। ये फल खाते हैं और इनके अपशिष्ट पौधों में परागण उपयोगी होते हैं। ये इको फ्रेंडली होने के साथ कीटभक्षी चमगादड़ से अलग है। जब तक चमगादड़ संक्रमित नहीं होते हैं तब तक इनसे मनुष्य को कोई खतरा नहीं होता है। अभी कोरोना काल में ये जीवित है तो इसका मतलब है कि संक्रमित नहीं है। संक्रमित होंगे तो जिस पेड़ पर है वही मर कर गिरने लगेंगे। चीन से फैले कोरोना के लिए चमगादड़ को भी एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन इंडियन फ्रूट बैट्स कोरोना वायरस के वाहक नहीं है। ये तब तक वाहक हो सकते हैं जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति इनके संपर्क में आए, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें, लेकिन इन्हें बेवजह मारने या दूसरी जगह भगाने की कोशिश न करें। किसी सरकार को परखने के लिए एक साल का वक्त काफी है या नहीं, ये विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन एक साल में ये तो पता चल ही जाता है कि उसके इरादे क्या है। मोदी सरकार ने 30 मई 2019 को शपथ ली थी और आज उसके दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे हो गए हैं। इन सालों में सरकार ने क्या काम किए हैं उसे लेकर भाजपा के द्वारा उपलब्धियाँ गिनाई जा रही है। बालाघाट में इसे लेकर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल होने पर पत्रक बांटे और उनके किए गए कार्यों का बखान भी किया। कोरोना से लेकर मोदी सरकार की तमाम नीतियां और बनाए गए कानूनों को गौरीशंकर बिसेन ने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बताया। तो वही प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा कि कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने जो कदम उठाए वह दुनिया के मुकाबले बेहतर साबित हुए। आइए देखते हैं क्या कहा पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने। हमारे मजदूर भाई, श्रमिक भाई दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति हमारे राज्यों में बने, हमारे जिलों में बने कि हमारे लोगों को अपने स्थान पर ही काम मिले, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये काम कोई एक घंटे में होने वाला नहीं है, आज क्या हो सकता है। इसलिए मनरेगा में जहाँ जितनी राशि की आवश्यकता पड़ी उसको भारत सरकार ने भेजा, जिनके जॉब कार्ड नहीं थे उनके जॉब कार्ड बनाने के निर्देश दिए, जिन कामों को ग्राम पंचायतों ने आज तक नहीं किया उस काम को करने का उनको अधिकार दिया, क्योंकि जो पंचायत की व्यवस्था है उस अधिनियम की, उस पंचायतों के माध्यम से मनरेगा का काम हुआ, इरीगेशन के नहरों के सुधार के कामों, तालाब सुधार के कामों, अब तो सुदूर सड़कों के लिए भी जिन पर 5 साल पहले काम हुआ था उनके पुनर्निर्माण का भी अधिकार पंचायतों को प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारे लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुके, अपने घर में रह करके लोग अपना जीविका चला सके, एक बड़ा काम जो था उसको और गतिमान किया गया, उसको ताकतवर किया गया।
हर संपन्न बनाया। वेतन समझौता न होने से नाराज चल रहे मायल कामगारों ने 4 जून से संगठन के बैनर तले शांतिपूर्ण काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे मायल भरवेली सहित जिले की सभी खदानें 2 दिनों से बंद चल रही है। वहीं इसके एवज में मायल लिमिटेड को रोजाना 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। मायल भरवेली के मैनेजर भाटी ने मोबाइल पर चर्चा करते हुए बालाघाट न्यूज से कहा कि कामगार संगठन के द्वारा किया जा रहा शांतिपूर्ण आंदोलन अवैधानिक है। इसे लेकर श्रमिकों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जबकि मायल कामगार संघ के पदाधिकारी गुड्डा दीवान ने कहा है कि वेतन समझौते को लेकर उनके द्वारा फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन किया जा रहा है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो जल्द ही यह आंदोलन मायल के बाहर शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जल्द ही कामगारों और मायल प्रबंधन के बीच सुलह हो जाएगी, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन आगे भी जारी रहेगा या नहीं। मौसम में आए बदलाव के बाद जिले में बीते दिवस हुई बारिश और आंधी तूफान के चलते परसवाड़ा क्षेत्र में भंडारी धान के सैकड़ों बोरे भीग गए हैं। वहीं कई धान के बोरों से तिरपाल उड़ गई है, जिससे यहां पर विपणन को लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि यहां पर खुले आसमान के नीचे लाखों क्विंटल धान रखी है, जिसकी सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर कोई कदम नहीं उठाए गए, लिहाजा तिरपाल उड़ने के बाद आवारा मवेशी भी यहां पर मुंह मारते फिर रहे हैं। वही धान की बर्बादी की तस्वीरें भी यहां पर स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस सेवादल द्वारा गरीबों को खाद्यान्न सामग्री वितरण करने का अभियान सतत जारी है। जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सौरभ लोधी, सेवादल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष मोनू भगत और उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंगन दुपे सहित हट्टा ब्लॉक अध्यक्ष निक्सन कावड़े के नेतृत्व में 4 जून को 500 पैकेट तैयार कर सेवादल टीम द्वारा विधानसभा परसवाड़ा के ग्राम बोलुंदा, फोड़पाटोला, गर्दा, बुलेना ग्रामों में वितरण किया गया। इस कार्य में विशेष तौर पर उदय सिंह नकपुरे, पूर्व केंद्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष, विकास हजारी उपाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, दीपक रंगारे सचिव जिला कांग्रेस कमेटी, इंद्रसेन कावड़े हट्टा मंडल अध्यक्ष, मनीष कावड़े कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा उपाध्यक्ष, प्रदीप नागवंशी जिला सचिव कांग्रेस सेवा दल, कुंवर सिंह बघेले, सूरज ढेकवार, ऋषिकेश भास्कर, ओम प्रकाश मरठे, जगदीश पाचे का सहयोग प्राप्त हुआ। उनको नहीं, यहाँ आए तो इनको यहीं दे देते हैं। और बालाघाट नगर में लॉकडाउन खुलते ही विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में नगर के सरेखा चौक पर महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर नगरपालिका ने यहां पर वर्षों से जमे पक्के और अस्थायी कब्जों को हटा दिया था, जिसके बाद से ही यहां पर चर्चा चल रही थी कि जल्द ही यहां पर अस्थायी दुकानदारों को शिफ्ट करने के बाद चौक को विकसित किया जाएगा, जिसे लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। यहाँ पर चौक के विकसित होते ही आवागमन में आ रही कठिनाई और यातायात समस्या से भी लोगों को निजात मिलने की संभावना है। यह चौक काफ़ी सकरा होने और बाईपास से वाहनों की आवाजाही के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी। इसी को लेकर रेलवे की जमीन को अधिग्रहित करने के बाद यह काम कराया जा रहा है।